हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। चेतक फेस्टिवल में आज है काठियावाड़ी ब्रीड का शो है, और ऐसे में मैंने एक सीरीज़ बनाई है जिसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा काठियावाड़ी घोड़ों की इस बार मैंने शूट किया है, वीडियो की है, और काफ़ी अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन के लिए हमें एक अलग से प्लेलिस्ट सारे खेड़ा के बनाने वाले हैं। तो इसमें ये थर्ड वीडियो है जिसमें आप ये बढ़िया काठियावाड़ी स्टैलियन देख सकते हो, और ये मंडी में, पूरे मंडी में जितने भी खरीदी बिक्री के घोड़े होंगे या तो फिर शो के लिए आए हुए सारे ब्रीड के जितने ही घोड़े, उसमें सबसे अलग और सबसे बेहतरीन कलर का ये घोड़ा आया हुआ है। और ऑफ़ कैमरा इनसे मेरी बात हुई कि ये जो घोड़ा, ये पहली बार मार्केट में या सभी लोगों के सामने आई, ये घर में बंधा रहता था, लेकिन उन्होंने काठियावाड़ी शो के लिए इसको स्टैलियन कैटेगरी में पार्टिसिपेट करने के लिए लाया है। तो 5 भाई है जो गुजरात से आए हुए हैं, इनसे हम डिटेल जानकारी जानेंगे। भैया जी नमस्ते, आओ आ गया, आप सभी को नमस्कार। वैसे आप कहाँ से आए भैया? राजकोट, गुजरात। हम गुजरात राजकोट से आ रहे हैं। हाँ अच्छा। और मेरा फार्म हाउस भावनगर हाईवे पे पड़ता है। अच्छा। माँ गौरी गौशाला की बाजू में। अच्छा अच्छा। हाँ, आर के यूनिवर्सिटी के सामने। ओके ओके, राजकोट के पास। हाँ अच्छा। आजी डैम चौकड़ी से 7 किलोमीटर आगे पड़ती है। हाँ हाँ हाँ, ये आर के यूनिवर्सिटी कॉलेज भावनगर हाईवे पे। ओके, वहीं से। अच्छा, तो भैया जी अपना क्या नाम है? मेरा नाम लाला भाई भरवाड़ है। लाला भाई भरवाड़। हाँ। अच्छा, तो आपके पास में काठियावाड़ी ब्रीड के कितने घोड़े हैं अभी? मेरे पास अभी कम से कम काठियावाड़ी ब्रीड के 40 या 45 के आसपास। यानी आप होम ब्रीडिंग करते हो? हाँ। अच्छा, तो कितने स्टैलियन वगैरह आपके पास में है काठियावाड़ी? मेरे पास स्टैलियन 7 से 8 है अभी। 7 से 8 है। हाँ। और मेयर वगैरह कितनी घोड़िया? घोड़िया होगी कम से कम 30 या 30 के अंदर। अच्छा अच्छा, तो वैसे काठियावाड़ी के आप सेल परचेज भी करते होंगे उधर आपके एरिया में? बहुत कम। बहुत कम है। हाँ। आप और सिर्फ एक ब्रीड बढ़ा रहे हो उसकी? हाँ, ब्रीड बढ़ा रहे हैं। हाँ। और जो लगे जगह अच्छी। हाँ हाँ। और सही जगह पालने वाला। अच्छा अच्छा। हाँ। तो उसी के आप सेल करते हैं? उसी कोई ब्रीड। बिल्कुल बिल्कुल। चलो अपन ये घोड़े के बारे में आएंगे। ये घोड़ा है और इसका सबसे बहुत ही अलग कलर बोल सकते हैं, इसके बारे में बताइए। इसका नाम वगैरह क्या रखा है आपने? इसका नाम भुजंग रखा है। भुजंग? हाँ। भुजंग यानी बाहु में जो बल आता है उसको भुजंग भुजंग कहा जाता है, बराबर है ना? सही बात करो। और ये कलर को क्या कहते हैं? ये सबसे अलग कलर है आप? बिल्कुल, हमारे काठियावाड़ में जामवा कहते हैं। जामवा? हाँ बराबर, सही बोल रहा हूँ ना? जामवा। हाँ जामवा। अच्छा अच्छा अच्छा। और अलग जगह पे क्या, और क्या दूसरा ऑप्शन नाम क्या रहता है इसका, कुछ अलग जिसे इंग्लिश में भी नहीं मैं बोल सकता हूँ? कोई रोजा बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, कोई ग्रे बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो भुजंग अभी कितने उम्र का हो गया है? ये अभी 4.5 साल का हुआ। अच्छा अच्छा। तो आपके जैसे मारवाड़ी में भी एक लाइन चलती है, ब्लड लाइन चलती है, ऐसे इसकी काठियावाड़ी में आपके एरिया में भी कुछ लाइन होंगी, तो ये कुछ लाइन का है क्या? हाँ। अच्छा अच्छा, क्या इसकी क्या मतलब पिता वगैरह माँ कौन थी? बाप है। हाँ। वो चेतक है। अच्छा। और उसका बाप जो था। हाँ। वो जूनागढ़ इनाज है। हाँ हाँ। पेडू। पेडू वहाँ पे चेतक ही था उसका। अच्छा, नाम भी। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा। और इसका बाप है वो माकड़ा पचकल्याण है। अच्छा, माकड़ा पचकल्याण। हाँ। इन्हें रेड कलर में आता है जो अपन ने अभी पीछे घोड़े देखे थे। हाँ। बराबर। और वो घोड़े की खासियत ये है कि सभी कलर काठियावाड़ी के। हाँ हाँ, वो देता हूँ सब कलर के बच्चे देता है। अच्छा अच्छा, वो खासियत है उसमें। हाँ। यानी घोड़ी कोई भी रो अलग कलर के भी बच्चे दे सकता है। सभी कलर के बच्चे। अच्छा, देता है। तो ये जो इसका नाम भुजंग है, इसकी ब्रीड कहाँ पे हुई है? वो मेरे वहाँ। आपके यहाँ पे? यानी ये आपके यहाँ पे जन्मा है? हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी भुजंग की हाइट क्या आएंगे अभी? अभी इसकी 58 या 59। अच्छा अच्छा, 58 या 59 है। ठीक है ठीक है। और अभी मुझे इतना बताया कि काठियावाड़ी घोड़ा अगर कोई लेते हैं, जैसे हमारे महाराष्ट्र के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोगों को देता है कि छोटे कान दिख दे तो काठियावाड़ी बोलते हैं, तो एक आप छोटा सा एक अनुभव बताइए कि काठियावाड़ी में क्या क्या चीज़ें यूनिक रहती है मारवाड़ी और इस पे, तो आप थोड़ा सा कुछ बता सकते? जैसा कान की कना बनोती है वो छोटी आती है काफ़ी, है ना? जो काठियावाड़ी है। हाँ। ये फेस है। हाँ हाँ। ये फेस इधर से कर्व आता है, थोड़ा अंदर से मुड़ा हुआ रहता है। अंदर से मुड़ा रहता है, इधर। हाँ। से बाहर। हाँ हाँ हाँ। और दूसरे नंबर पे। हाँ। जो चलता है। हाँ। तब ये फूल जाता है। फूल जाता है, बड़ा हो जाता है। हाँ। नोजल बोल सकते हैं। हाँ। इसको। हाँ, और हाँ। ये कान है। हाँ हाँ। वो काठियावाड़ी में मार्किंग में कान काले होने चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ऊपर के नोक के टाइप। हाँ, सही बात है ना? नोक। हाँ हाँ हाँ। और ये जो गंगा पाट नहीं, ये चील की पट्टी है। हाँ हाँ।
ये ऊपर की। हाँ, इसे हमारे इधर गंगा पाट कहा जाता है। गंगा पाट कहते हैं। हाँ हाँ, पूरी या ये नहीं, यहाँ से स्टार्ट होती है ना? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से पुस्तक बिल्कुल। हाँ 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 बिल्कुल। और यहाँ पे एक जेब्रा क्रॉसिंग रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पहचान मालूम है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, कैसा है कि आप वो ब्रीड को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते मेरे से ज़्यादा, इसलिए मैंने आपको पूछा। बिल्कुल। तो अभी भैया जी, आपने इसको स्टेलियन कैटेगरी में लगाने के लिए लाए, हाँ। तो कितने घोड़े अपन ने लाए थे आज? अभी दो लाए हैं। दो लाए हैं, हाँ। दोनों स्टेलियन ही है? दोनों स्टेलियन। अच्छा, फर्स्ट टाइम लाया हूँ। अच्छा, मैं। हाँ 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 हाँ। तो दोस्तों, भैया ने काफ़ी एक यूनिक जानकारी दी, और उनके पास में और एक स्टेलियन है, वो उसकी भी अपन फोर्थ पार्ट में इनकी शूटिंग लेंगे, और अभी और कुछ बातें जानते हैं। तो भैया जी, बहुत सी बार काठियावाड़ी के बारे में एक अलग से एक सोच रहती है महाराष्ट्र के लोगों की या अन्य जगह पे, कि ये घोड़े काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं, काटते वगैरह है, या नए लोगों से हैंडल नहीं होता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, ये सोच गलत है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। घोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, हाँ, और इसके जो पैर सब मजबूत बनते हैं। हाँ, काठियावाड़ी के। हाँ हाँ हाँ, वो बहुत ही समझू और वफादार होते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। बाद में लोग क्या करते हैं कि जो इसका जनून है, हाँ हाँ, वो देख के डरते हैं। हाँ, बाद में मारेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। बाद में मारने के बाद ये घोड़ा बिगड़ता है मारने से। अच्छा अच्छा अच्छा। जितना भी प्रेम दो, बराबर, उतना आपको ये प्रेम देगा, वो रिटर्न में मिलेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल, कोई भी पशु में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और काठियावाड़ी तो कम से कम नहीं, पर 100% पूरा मालिक की ख्याल रखता है। अच्छा अच्छा, ईमानदार है ना, एक मालिक का वफादार होता है। हाँ, और हमारे काठियावाड़ की एक कहावत है। हाँ हाँ हाँ। कि काठियावाड़ घोड़ा आगे खाई दिखता है, मालिक को बचाता है। हाँ हाँ हाँ। और मारवाड़ मालिक को लेके खाई में जाता है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो अभी भुजंग की आपने ब्रीडिंग वगैरह भी चालू कर दी है क्या? हाँ। अच्छा, इसकी उम्र क्या आएंगे? अभी उम्र ने बताई ना आपने इसकी? 4 या 4.5 साल। यानी अभी 4 टीत अभी कर रहा हूँ ये, क्या किए? 4 दांत अभी किए होंगे, 4.5 के आसपास। हाँ। तो इसकी ब्रीडिंग वगैरह चालू कर दी क्या आपने? हाँ। तो कितने घोड़े पे अभी छोड़ा है घोड़े को? वहाँ मेरे स्टेबल पे जितनी घोड़ी थी। हाँ 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 वाली। हाँ हाँ, काठियावाड़ी। अच्छा। और इससे जो मैच करती है। हाँ हाँ हाँ, ब्रीडिंग में। अच्छा, वो मैं 3 घोड़ी करवाई। अच्छा, तो अभी कोई रिजल्ट तो आए होंगे? आ गया। हाँ। कैसा कलर आया उसका? सेम। अच्छा, ऐसा ही। तो ऐसे आपके पास में, मैंने तो ये पहली बार कलर दिखा, ऐसे आपके यहाँ पे बहुत सारे घोड़े हैं क्या अभी? क्या कम है? लेकिन कम कलर आता होगा ना ये तो? ऐसा कलर कम? कलर कम आता है। अच्छा अच्छा, बाकी तो कैरेक्टर वाइज तो ये प्योर ब्रीड है, कोई वादा ही नहीं। चलो ठीक है। तो भैया, आपने जो हमारे लिए समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको छोटा सा और एक थैंक्स कहना चाहूँगा कि काठियावाड़ी का जो ब्रीड है वो आप गुजराती लोगों ने उसको बचाए रखा है, और आपको चेतक फेस्टिवल एक प्लेटफॉर्म देता है कि इसको आप प्रमोट करो, शो उतर दे। यानी महाराष्ट्र में एक ही शो होता है काठियावाड़ी के, बाकी मैंने नहीं देखा होगा। आपके गुजरात में भी होते हैं क्या शो वगैरह? शो तो होते हैं। हाँ हाँ। मगर जो आजकल काठियावाड़ी रखने का मंतव्य बदल रहा है, उसकी सोच ये है। हाँ। एक बार शो में जाए, 2 बार जाए, 3 बार। हाँ हाँ हाँ। मगर क्या है कि जिस गुस्से से लेके जाता है आदमी। हाँ 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 हाँ, वापिस इतना ही है ना, गुस्से से आता है। अच्छा अच्छा, यानी जिस आशा से जाता है वो निराशा होके आता है। हाँ, ऐसे ही होता है। हाँ, ठीक है ठीक है। क्या है कि कोई भी सेल परचेस करना हो। हाँ हाँ हाँ। तो किसी को भी 10-20 हजार दे दिया वहाँ पे। हाँ हाँ हाँ। तो अच्छा अच्छा, उसका सिलेक्ट हो जाता है, और सिलेक्ट नंबर हो गया तो मानो मेरी घोड़े, ये घोड़ा अभी मैं बोलूं कि सेल करना है तो 3 लाख का। हाँ हाँ। और बाद में 2 आदमी आके बोलेंगे। हाँ हाँ। कि इसका नंबर 1 से 3 में आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपको क्या करना है, 20 हजार डोनेशन देना है। अच्छा अच्छा। तो डोनेशन देगा मैं 20 हजार, तो ये घोड़े की कीमत 3.5 की 7.5 हो जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, विन हो गया ना। बराबर बराबर बराबर। यानी जो हम बोल सकते हैं कि जो रिजल्ट है या जो फेयर होना चाहिए जो चीज, वो नहीं होती होंगी। और नहीं होती, और इसीलिए काठियावाड़ी कम हो रहा है। चलो ठीक है, आशा करेंगे आने वाले वक्त पर लोग समझे इसे, और ये ब्रीड बहुत ही यूनिक है, अपने इंडिया की ब्रीड है जो सबसे मजबूत और बिल्कुल बढ़िया मानी जाती है। चलो भैया, आपने सभी ने जो समय दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी ओर से आपको शुभकामनाएं
कि आपका घोड़ा हमारे सारंगखेड़ा चेतक फेस्टिवल में कुछ नंबर वगैरह लाए, यही हम आशा करते हैं। थैंक यू।